ये तो हमारा क्या हो गया भाई, ज्योमेट्रिक है ना। ग्राफिकली हम इसको किस तरीके से ऐड करते हैं, अगला देखते हैं मैथमेटिकली हम कैसे ऐड करेंगे वेक्टर्स को ना। फिर वो एनालिटिकली डिस्कशन करेंगे हम, मैथमेटिकली हम वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करेंगे। ठीक है, तो उसको करने से पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 10th क्लास के एक सिंपल सा क्वेश्चन, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूं, ठीक है। इसकी लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी, ये मान लो पी क्यू आर मान लो PQR, ये इनकी लेंथ है ना। इस साइड की लेंथ है P, इस साइड की लेंथ है Q, इस साइड की लेंथ है R, और ये एंगल है थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन, फाइंड R, तो मैं R निकालना है, तो मैं PQ और थीटा तो तुम्हें पता है, तो मैं P पता है, तो मैं Q पता है, तो मैं थीटा भी पता है, तो मैं R निकालना है। फाइंड R इन टर्म्स ऑफ PQ एंड थीटा, हमें दो चीजें फाइंड करनी है, S निकालना है और अल्फा निकालना है। हमको पता क्या क्या है, P पता है, Q पता है और थीटा पता है। तो सोचो अगर ये परपेंडिकुलर होते तो बहुत आसानी से निकाल देते ना। P और Q अगर परपेंडिकुलर होते, थीटा 90 डिग्री होता, तो हम बहुत आसानी से कर देते भाई, क्योंकि पाइथागोरस है हमारे पास, S square equal to P square plus Q square होता था। पर ऐसा नहीं है, तो किस तरीके से सॉल्व करें ना, मतलब इन दोनों लाइन्स के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल नहीं है तो फिर कैसे निकालें हम इसको। तो ठीक है ना, एक ट्राइंगल हम बना देते हैं, बड़ा सा ऐसा कुछ ट्राइंगल बना दो। हम ये तो बोल सकते हैं S square equal to इस लेंथ का स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर, ये बोल सकते हैं क्या? ये लेंथ कुछ भी मान लेते हैं, अभी हमको नहीं पता, अभी मान लेते हैं ये x है, ये y है, मान लो। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम, इस बड़े वाले ट्राइंगल को देखो, क्या पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये बोल सकता हूँ एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? है ना, पर बात है वो आगे तो तब सॉल्व करोगे जब x और y पता होगा। x और y कैसे पता चलेगा, छोटे वाले में पहले उधर लगा दे, चलो लगा देते हैं q स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। पर x और y तो दो वेरिएबल है, दूसरी इक्वेशन है, दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए ना। ये तो तुमने एक इक्वेशन बोल दिया दूसरी, अरे पर s तो खुद अननोन है, एस तो एस जो निकालना है तुम्हें वो तो खुद ही अननोन है, तुम दूर में ढूंढ रहे हो। देखो पहले तो तुम सोचो, अभी तुम्हारे पास डेटा क्या क्या है, पी है, क्यू है, थीटा है, तुमने थीटा को तो यूज ही नहीं करा ना, किसी तरह से थीटा को भी यूज करने की कोशिश करो। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, यहाँ पर तुम्हारे पास दो इन्फॉर्मेशन भी है, क्यू और थीटा दोनों ही इन्फॉर्मेशन है, किसी तरह से थीटा को भी वहाँ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करो। टेन थीटा इक्वल टू वाई बाई एक्स, ये एक तरीका है, उससे सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। और आसान तरीका सोचते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, उससे डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा बेटा। ये छोटा वाला ट्रायंगल देखो, पता भाई साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है, आ रहा है समझ में? अरे कॉस थीटा क्या होता है बताओ, एक्स बेस बाय हाइपोटेन्यूज है ना, एक्स बाय क्यू। तो देखो कितना आसान हो गया, y हमारा क्या निकल के आ गया, q sin थीटा, और x क्या निकल के आ गया, अब तो देखो सारे के सारे अननोन है मेरे पास। बड़े वाले ट्रायंगल पे मैंने पाइथागोरस लगाई, अब उसको सॉल्व करने के लिए मुझे x और y चाहिए थे, वो मुझको मिल गए। देखो सब्स्टिट्यूट करो और आंसर बताओ, आ गया बताओ। देखो कैसे करेंगे भाई, इसको स्क्वायर कर देते हैं, p स्क्वायर प्लस x जीरो पे क्या रखेंगे, तो क्या देगा q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2p q cos थीटा, और y स्क्वायर की जगह क्या जाएगा q स्क्वायर sin, ये आएगा। देखो यहां पे a प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो s स्क्वायर s कितना हो गया तुम्हारा, s स्क्वायर p स्क्वायर प्लस, अब देखो q स्क्वायर cos स्क्वायर sin थीटा, इन दोनों को देखो यहां से, इन दोनों में से q स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा बताओ, sin square theta plus cos square theta, और ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, sin square theta plus cos square theta हमेशा क्या होता है, ये भी पाइथागोरस थ्योरम ही है, 2pq cos theta, तो s कितना आ गया तुम्हारा, root of p square plus q square plus 2pq cos theta,
ये तो हमारी ना, तो ये तो हमारा सिंपल सा 9 10th क्लास का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व करा है। देखो यहां पर किसी को कोई डाउट है और अल्फा एंगल और निकालना था, बताओ tan अल्फा क्या होगा? ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, tan अल्फा क्या हो जाएगा? y / y + और y कितना है हमारा? y तुम्हारा है q sin theta और x कितना है तुम्हारा? ये दोनों रिजल्ट याद कर लेना है आपको ना, ठीक है? देखो अब हमने ये क्वेश्चन क्या सॉल्व करा, इसका क्या रिलेशन है हमारे वेक्टर से? एक्चुअली अगर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया तो हमें वेक्टर पूरा समझ में आ गया, वेक्टर एडिशन। देखो अगर मान लो कोई इंसान का डिस्प्लेसमेंट इधर से यहां होता है ना, फिर वो यहां से यहां जाता है, तो p भी एक वेक्टर बन गया, q भी एक वेक्टर बन गया। अब p वेक्टर और q वेक्टर को ऐड करना है हमको, और अभी हमने भाई वो पढ़ा है ज्योमेट्रिकल एडिशन, हमें पता है ऐड करने के लिए क्या करते हैं, हेड टू टेल जॉइन करते हैं। तो बताओ नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ उसका, p और q को ऐड करने पे क्या आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट? तो एक तरह से भाई s वेक्टर इज नथिंग बट p वेक्टर प्लस क्या है प्लस हो जाए ना। तो हमें फिर मतलब एक तरह से अगर हमें p वेक्टर पता है q वेक्टर पता है उनके बीच का एंगल पता है, थीटा समझ लो p वेक्टर q वेक्टर के बीच का एंगल है, कैसे एंगल के लिए तो भाई टेल टू टेल जॉइन करते हैं, क्या होगा इन दोनों के बीच का एंगल? थीटा होगा या 180 माइनस थीटा होगा? 180 माइनस थीटा है ना, ऐसे तो क्या होगा? आराम से सोचो, आराम से डेफिनेशन याद करो, क्या चलता है जी? सब लोग आराम आराम से सोच रहे हो, पी और क्यू के बीच का एंगल बताओ, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा नहीं होगा? क्यों? पर ये तो हेड टू टेल जॉइन है ना, कर लो टेल टू टेल जॉइन कर लो, इसको डाके यहां पे रख दो, अभी भी ठीक नहीं है, समझ में आता है? ये इन दोनों के बीच का एंगल है, क्योंकि जब तुम इसको ऐसे रखोगे तब भी थीटे एंगल क्या आएगा, ये जो है वो नहीं है दो वेक्टर के बीच का एंगल, ये वाला इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है, क्लियर है क्या? टेल टू टेल जॉइन करने पर भी वही निकल के आ रहा है ना, तो p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। तुम्हें s वेक्टर फाइंड करना है, p वेक्टर प्लस q वेक्टर है। अब हमको पता है भी वेक्टर फाइंड करना है ना, वेक्टर प्लस दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड दूसरा डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है कि लेंथ से ही निकालते हैं भाई, इसकी जो लेंथ होगी वही उसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, और वो लेंथ मैंने निकाल ली, तो लेंथ को ही तो मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वो लेंथ मैंने यहां पे निकाल ली ना, तो ये जो s आया है मेरे पास, जो इन दोनों का रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड तो मुझे मिल ही गया है ना, ठीक है। और एक तो भाई वेक्टर है, वेक्टर के पास दो चीजें थी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ये निकाल दिया, डायरेक्शन मैंने बोल दिया कि भाई इनिशियल वेक्टर से अल्फा एंगल पे है, वो अल्फा एंगल मैंने ये निकाल दिया, तो दोनों चीजें निकल गई ना, मैंने दो वेक्टर्स को ऐड कर दिया, जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया, डायरेक्शन भी निकाल दिया। देखो यहां पे कोई डाउट है? अरे देखो जो भी डाउट है ना डायरेक्ट पूछ के खत्म करो, बात के लिए कुछ भी मत करो, ये मत सोचो दोस्त से पूछोगे जाके दोस्त बता देगा, अरे दोस्त को खुद समझ में नहीं आया कुछ, दोस्त क्या बताएगा, ये क्लास है यही तो पर्पस है, जो अभी एक बार सर पढ़ा चुके हो फिर से पढ़ रहे हो, अगर अभी भी क्लियर नहीं करोगे तो फिर कभी क्लियर नहीं होना है, तो अगर कोई भी डाउट है तो अभी क्लियर करो क्लास में। ये अल्फा है, ये 180 माइनस थीटा है, बताओ अरे भाई ये अल्फा है, अल्फा तुम्हें पता चल गया ना, अगर p q और थीटा पता है, p q और थीटा की वैल्यू रखोगे तो अल्फा निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकल जाएगा ना, p रखो q रखो थीटा रखो अल्फा निकल जाएगा, अल्फा निकल गया, ये एंगल 180 माइनस थीटा है, और मुझे पता है जो ट्रायंगल होता है उसके इंटरनल एंगल्स का सम कितना होता है, निकल के ही बनेंगे। नहीं नहीं भाई वो सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, ये इस एरो की बात कर रहे हो? नहीं नहीं ये तो रिप्रेजेंटेशन है, हमें ऐसे ही बनाएंगे, ये सिंबल है और कुछ नहीं, तो ये एरो पीछे लगा दे, नहीं ऐसा नहीं है, ये सिंबल है बस रिप्रेजेंटेशन बताने का कि वो बेटर है, बाकी लगा दो तो ऐसा कोई गुनाह भी नहीं है, पर हमें दुनिया में कन्वेंशन फॉलो करते हैं तो सभी राइट में लगा दे उसी को बेटर माना जाता है ना। अब तुम कभी बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए फिर तुम कभी हम तुमको उल्टा चलाएंगे तब वो अलग बात है ना, अभी तो तुम नहीं कर सकते। और बस
सिंपल है सब कुछ, ठीक है। फिर आना, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं।